रोमांचिक सुधर जा बेटा, टाइम रहते रहते। मैं नहीं सुधरू भाई, मैं नहीं सुधरू, मुझसे कुछ भी कहना बंद कर दो स्टोरी पाकर। तू गया बेटा। कहाँ गया भाई है? तुम अपने आप को इतने बड़े कलाकार समझते हो? एक बात, hey guys, it's me, Thiru, Manchik, and guys, आज हम बात करने वाले हैं थारा भाई जोगिंदर के बारे में। So guys, तुम्हें याद होगा पिछली वीडियो में हमने बात कर दी थारा भाई जोगिंदर की। वो रोडीज में गया था, मैंने रोडीज पे वीडियो बनाया था, बाकी कंटेस्टेंट को रोस्ट करा था, तो उसको करना भी बनता था। वैसे जोगिंदर भाई जाना तो बिग बॉस चाहते थे। बिग बॉस तुझे लगता है कि तू बिग बॉस जाएगा? जोगिंदर जाएगा, तू जाएगा बिग बॉस में। बिग बॉस, बिग बॉस पे एक बॉस होता है, बॉस उसके अंदर तू जाएगा। तेरी औकात है बिग बॉस? तेरी औकात क्या है? तेरी कितनी औकात है तू बता। बट अनफॉर्चुनेटली जोगिंदर बिग बॉस नहीं गया, लेकिन रोडीज चला गया। अब जोगिंदर रोडीज गया तो रोडीज वालों में जोगिंदर का नशा तो छा नहीं था, और जोगिंदर का नशा इस कदर छाया है कि भाई जो शो के जजेस भी थे ना, उन्होंने भी जोगिंदर की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया है, बात बात पे लड़ना, और जो जोगिंदर के फेमस डायलॉग है उनको रिपीट करना। अगर आपको प्रिंस जैसा बनना है तो प्रिंस को फॉलो करो, और अगर आपको गौतम जैसा फेक बनना है फिर उसे बनो। मुझे बताने की जरूरत है नहीं, ये शब्द कहाँ तुमने पहले सुना है जोगिंदर के मुंह से? यस, औकात दिखाता हूँ, हाथ उठा कर। औकात ये मुझे बताने की जरूरत है ही नहीं बिल्कुल भी, कि ये तुमने पहले किसके मुंह से सुना है? जोगिंदर के मुंह से। गालियां निकल जाती है। भाई इन दोनों को की पकड़ के ये बताओ कि तुम्हें एज अ जज बुलाया गया है शो के अंदर, तमाशा नहीं करना है सड़क के किनारे खड़े होके जैसे होता है। अरे अपनी नजरों में तो इज्जत रखो, जज बन के आयो, टीआरपी के लिए इतना गिरना अच्छी बात नहीं है। जोगिंदर भैया की स्टोरी देखते हैं चलो। मतलब भाई तुम जिंदगी में सुधर नहीं सकते, तुम्हारा खुद का कुछ लेवल नहीं है, कोई कुछ करे तो तुम उनको देख के खुश नहीं हो। तुम गए हो कभी किसी शो में? ये बताओ मेरे को। अबे रोडीज में जाने के बाद चोड़ कौन मारता है यार? भाई जोगिंदर रोडीज में जाने से पहले तेरी ज्यादा इज्जत थी। कोई कुछ करे तो तुम उनको देख के खुश नहीं हो? अरे मैं बहुत खुश हूँ भाई, तुम भी खुश हो अगर रुक जाओ। जोगिंदर भाई ऐसे ऐसे काम करते हैं ना बड़े बड़े, जिन्हें देख के लोगों को बहुत खुश होना चाहिए। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा गरीबी किसे कहते हैं, किस प्रकार लोग हाईवे पर रात को भूखे सो रहे हैं, जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। हिंदुस्तान के हर उन युवा से एक बात कहना चाहता हूँ, उठो आप लोग, आप लोग उठो, रात के 2 बज रहे हैं इस टाइम, किस प्रकार भूखे लोग सो रहे हैं, उधर देखो आप लोग, किस प्रकार लोग यहाँ पर भूखे सो रहे हैं। अच्छी बात है, गरीबों की मदद करनी चाहिए भाई, लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं करनी चाहिए जिस तरह से जोगिंदर करता है। अभी रुक जाओ। अभी देखो यार, स्पॉइलर नहीं दे रहा मैं, पूरी वीडियो देखो आगे तक, उसे देखा नहीं जा रहा आज आपको अपनी माँ की कसम है। भाई यार, भाई वो सो रहा हुआ ठीक है, कोई है गरीब मैं कर दूंगा मदद, माँ की कसम क्यों दे रहा मुझे? हिंदुस्तान के हर घर में से एक भाई उठेगा रात को, हर एक गरीब आदमी की मदद करेगा। हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत गरीब आदमी है, हालत देख रहे हो भाई, ये है गरीबी, हमारे पापा के समान के उम्र के। सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो। नाम है कान कुमार, यहाँ पर आप कैसे सो रहे हो रात को? अबे तू थोड़ा सा सो के दिखा देता अभी ऐसा कि ऐसे सो रहा हूँ ऐसे। अबे भाई गरीब आदमी है यार, पूरे दिन मेहनत करके शाम को सो रहा, चैन से सोन दे उसे। क्या काम करते हो यहाँ पर? जोगिंदर दूर भाग, जल्दी दूर भाग इससे। तुझे कचरा समझ के कहीं कचरे वाली गाड़ी में न डाल दे। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। क्या काम करते हो यहाँ पर? तुझे क्या मतलब? खाना वाना खाया नहीं? खाया आपने? नहीं खाया भाई, देख रहे हो गरीबी हमारे देश में, ऐसे इतने सारे आदमी जो रात को खाना नहीं खाते। हाँ भाई, रात को खाना खा के सोते हैं, बट ये लोग, हाँ भाई, ये लोग रात को खाना खा के नहीं सोते। हाँ भाई, अबे भाई ये मदद किस तरह की मदद हो गई? करनी चाहिए मदद, देख मैं नहीं कह रहा मदद नहीं करनी चाहिए, लेकिन उस पर घर नहीं, उस पर किचन नहीं, वो बना के कहाँ खाएगा इस खाने को? आटा चावल दे के जा रहा तू, सुबह उठ के तूने और काम और बढ़ा दिया उसका, ये परचून की दुकान पे बेच के पैसे लेके आगा उससे, अब फिर जाके कहीं खाना खाएगा बेचारा? सीधे पैसे दे देता, खाना ला के दे देता भाई तुम्हारी। जोगिंदर भाई यार निकाल तो गाना है, लोंडे नहीं तो बावले हो जाएंगे। भाई हर इंसान को दूसरे की मदद करनी चाहिए अगर वो सक्षम है तो, लेकिन सही तरीके से, कि उस इंसान को वो मदद सही लगे। अबे तुम लोग यूट्यूब से बाहर नहीं निकले, तुम हमारे ऊपर रोस्ट मारो क्या? हाँ भाई यूट्यूब के अंदर घुस के बैठे हुए हम, यूट्यूब से बाहर नहीं निकले। हम शो में जा रहे हैं तो रोस्ट मार रहे हो? हाँ। अपना लेवल देखो पहले जाके। हाँ। 2 साल पुरानी बात याद है, दोहरा दो दोबारा मार्केट के अंदर। हाँ भाई दोहरा दो, ऑडियंस बोर हो रही है यार, करो थोड़े ऐसे काम जिससे गाली बके सब।
अबे यार, अरे देरो मानचेक, औकात में राग रहो, औकात में तुम लोगों का लेवल पता क्या है? ये है ये, चला जा क्या गाड़ी की सीट, हमारा लेवल है, हमारा लेवल ये है ये, ये है ये। भाई जिसका लेवल ये होता ना, उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती। जोगिंदर भैया आपको ही नहीं कह रहा मैं, हर किसी को कह रहा, जो भी आके अपनी औकात गिना रहा ना, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, भाई वो कुछ नहीं है। तो सोच समझ के बोला करो, किसको क्या बोलना है, किसको क्या रोस्ट मारना है। भाई ये बात तुझ पे ज्यादा लागू होती, सोच समझ के बोला कर क्या बोलना क्या नहीं बोलना। ये नहीं की जो दिमाग में आया स्टोरी बना के डाल दी यार, फिर कहता रोस्ट करने मुझे। तू जाना रोडी शो के अंदर, ना जाना भाई, मुझे ना जाना, बहुत सारे पैसे देंगे वो बात अलग है। अबे YouTube के अंदर तो एक कमरे के बंद हो गए तो मैं भी भोग सकता हूँ आधे घंटे। भाई हम तो बोलते भोगते नहीं है, पता नहीं यार तुझे हर कोई तेरे ऐसा क्यों लगता है। कंटेंट बनाओ भाई जोगिंदर, तेरे मुँह से कंटेंट शब्द अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारी पूरी गैंग आ गई थी 2 साल पहले, फिर भी कुछ नहीं हिला पाए जोगिंदर का। अबे पूरा हिला के डाल दिया था, ये लाइट पे आकर रोक गया था। अगर इन फ्यूचर अगले जन्म में कभी मुलाकात हुई इनसे, यूट्यूबर से, तो इनको एक बात जरूर बोलूंगा, आज ये मेरी जगह हो जाए और मैं इनकी जगह, फिर इनको पता चलेगा कि क्या होती है, मतलब किसी को दिल तोड़ने से क्या मिलता है। फिर भी कुछ नहीं ला पाए जोगिंदर का। इस बात पे हंसना नहीं चाहिए, वो हो जाता भाई, हर किसी का इमोशनल डैमेज करा, इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है कभी ना कभी इंटरनेट पे, उस पर मजाक नहीं उड़ाते हैं। बट मैं बता रहा हूँ तुम्हें एक चीज, ये रोक गया था, अब आगे चोड़ मार रहा कि सबको हिला डाला था। अबे हाँ, मैं ना रियल के अंदर सिस्टम है बच्चे, कभी मुलाकात कर रहा तो आ जाना आमने सामने, बता दूंगा तुम्हारी YouTube कम्युनिटी को तुम क्या हो, तेरा बाप हूँ मैं। भाई जोगिंदर जो है सामने मिलने की चोड़ दिखा रहा, ये वही बंदा है जो Instagram लाइव पे जाके दीपक कलाल से गाली खा के आ जाता है और फिर भी बार बार जाता है पता नहीं क्यों। तू अगर खटकाएगा मेरी बुद्धि तो मैं ले लूंगा तेरी फुद्दी। अगर नाइस, आई लाइक इट ब्रदर। अरे भाई जोगिंदर ये कुछ और चीज चटकाने के लिए कह रहा जो तेरे पास है भी नहीं, या फिर होगी भाई पता ना मुझे तो। मैं थप्पड़ मारूंगा तड़े सोची नहीं होगी, और तेरी गौंद फड़वा दूंगा सिलाने के लिए मोची ना होगी। भाई खुद की बेइज्जती करा के एक जगह रुकना आसान काम नहीं है, मुझे कोई ऐसा बोलता मैं तो लाइफ छोड़ के भाग जाता भाई, मुझे ऐसा लगता कभी कभी तो ऐसा आता मजा दीपक गलाल से उल्टी सीधी बातें सुनने में और खुद की बेइज्जती कराने में, तभी तो बार बार लाइफ चला जाता है। लेकिन हम इधर कुछ वीडियो में बोलते तो इसे मिर्ची लग जाती। पहले तो भाई मत बोलो, अगर भाई बोल रहे तो रोस्ट मत मारो। ठीक है यार, नहीं करूंगा यार अब से, मतलब नहीं बोलूंगा भाई। जो लोग नहीं समझ पा रहे, मैं जोगिंदर से एक बार मिला हुआ हूँ भाई, एकदम मस्त बढ़िया करके अपना सब सॉल्व हो गया था, तो इस बात को कह रहा है जोगिंदर मेरे से, कह रहा है कि भाई मत बोल, अब भाई बोलना तो रोस्ट मत कर। जोगिंदर भाई हम तो करेंगे रोस्ट, बताओ। तेरा भाई तो नुई रोड इसके अंदर मजे ले रहा है। तू कौन से मजे हो रहे है, प्रिंस भाई पीछे से आके घंट मार रहे है तुम्हारी। अबे यार ये नहीं बोलना चाहिए था शायद, लेकिन ये मजे कौन से है भाई। अब आए तो नई रोड इसके अंदर मजे ले रहा है, ऐसा ऐसा कुछ इशारा करेगा तो कुछ गंदा ही निकलेगा ना मेरे मुंह से भी। अंदर हिम्मत, तू जाकर दिखा रोड इसो के अंदर जा भाई। अरे यार इसकी बहन की आग, हिम्मत की बात आ कहां से रही है ये। मेरे बात करिए लेवल की, तुम्हारा लेवल मेरे बराबर नहीं यार। जोगिंदर यार अलग इंसान है भयंकर। तो गाइस तुम्हें इस डांट के अंदर गुस्सा दिख रहा होगा, लेकिन मुझे जोगिंदर की इस डांट के अंदर भी प्यार दिख रहा है। तू 10x10 के कमरे में रोस्ट मारता है, मैं 10x10 के कमरे में तेरे जैसे बंदों भी मारता हूँ वीडियो बना के। ये दोनों सेम बात नहीं है। जोगिंदर तू बोलने से पहले एक बार सोच लिया कर बोल क्या रहा, सोचने के लिए दिमाग भी तो होना चाहिए। बात खत्म गाइस, आगे डिस्कस ही नहीं करते हैं। हंटर फंटागिरी निकाल दूंगा औकात में, दे रोमांचिक सुधर जा बेटा, टाइम रहते रहते। मैं नहीं सुधरू भाई, मैं नहीं सुधरू, मुझसे कुछ भी कहना बंद कर दो स्टोरी पाक है। मुझे हंसी क्यों आ रही है इतनी मुझे पता नहीं यार, मुझे गुस्सा होना चाहिए। वरना जो तूने स्कॉर्पियो एन लिया ना, इसी स्कॉर्पियो एन के पीछे रस्से से बांध के सीधा गुड़गांव खींच लाऊंगा इस बार। अच्छा औकात में यार जोगिंदर भाई, गाड़ी तो अपनी लेके आना कम से कम, अगर मुझे खींच के भी लेके जाना तो मेरी से क्यों खींच के लेके जाएगा है। हम पे तो आई नो, आ जाइयो भाई, तुझे रस्सी भी दे दूंगा, गाड़ी भी दे दूंगा, खड़ा भी हो जाऊंगा, हिम्मत हो तो ले जी, खींच के हाथ लगा दिए। बहुत ही जाग रही है मेरे अंदर की आज, शांत यार गलत डायरेक्शन में जा रहा गाइस मैं, मारते मारते भूत बना दूंगा। अपनी अपनी औकात में रहना सारे के सारे यूट्यूबर। भाई जोगिंदर हम औकात में बैठे हैं, तू ज्यादा उछल रहा, खुद का सोच, समझ जाओ टाइम से पहले। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा रोस्टिंग का, बहुत हो गया, बहुत मत मारो रोस्ट किसी को बेफालतू में, बता रहा हूँ मैं अभी भी, बहुत गलत चीज है रोस्ट मारना, बहुत गलत चीज है रोस्ट मारना। एक्सक्यूज मी सर, कहिए क्या होगा अगर हम नजरअंदाज करते रहे किसी कारण से और कोई अनलॉक कर दे अपनी दिमागी क्षमता का 100%।
बहुत गलत चीज है रोस्ट मारना। भाई मैं सो का उठाऊं, जोगिंदर ने स्टोरी में मेंशन कर रखा तो मैंने ये भेजा उसको, फिर मैंने कहा यार क्या हो गया, लगता भाई की जो है दिमाग की जो दवाई थी ना वो खत्म हो गई, बुखला गया, भूचाल आ गया सिर के अंदर, भूकंप, बवंडर बवंडर तू गया बेटा। कहां गया भाई है? तुम अपने आप को इतने बड़े कलाकार समझते हो, एक बात बताओ, जितने भी तुम्हारे YouTube के अंदर रोस्टर हैं, बताओ जिंदगी में उन लोगों ने क्या उखाड़ लिया, एक का भी नाम बता दो, बता तेरा क्या रिमिनाटी ने क्या कर दिया, ट्रिगर ने क्या कर दिया, या तूने क्या कर दिया, तेरा थगेस ने क्या कर दिया। मेरा थगेस? अरे यार भाई, हाँ भाई है मेरा, लेकिन ये जिस तरह से गई ना मेरा तगेज, मुझे वाली भाई भाई। दूसरों को रोस्ट मारना आता तुम लोग को बस, तुम और कुछ नहीं कर सकते जिंदगी के अंदर, दुनिया का मजाक बना के पैसा कमाते हो बस। हम लोग कम से कम मजाक उड़ा के पैसा कमा रहे हैं, लेकिन दूसरे की गरीबी दिखा के पैसा कमा नहीं रहे हैं। इधर हमारे देश में ऐसे इतने सारे आदमी जो रात को खाना नहीं खाते, खत्म करता अगर तुम्हें वीडियो देख के मजा आया है ना तो तुम लाइक कर देना, और मैं करता जोगिंदर भैया को हेट मत देना फालतू की, ऑनलाइन भले कुछ भी आगे बकता रहे वो, लेकिन पर्सनली मैं जानता हूँ बंदा बढ़िया है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और एक कमेंट कर देना, ठीक है, बाय बाय।